जनाब स्पीकर, किसी ने कहा लगा के आग शहर को ये बादशाह ने कहा, उठा है दिल में तमाशे का आज शौक बहुत, झुका के सर को सभी शाहपरस्त बोल उठे, जनाब का शौक सलामत रहे शहर और बहुत। जनाब स्पीकर, 9 मई को जो दिलखराश वाकयात, जो अफसोसनाक दहशत ज़दा मनाजिर इन आँखों ने देखा और जो पूरी कौम ने देखा, एक तमाशा सा बरपा हुआ सिर्फ एक शख्स के एक दिन के जेल में रहने के ऊपर। अगर मुल्क को आग लगाने की साजिश की जाए तो मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसी कोई सियासी जमात मौजूद होगी जिसने इस किस्म की दहशत फैलाने में किरदार अदा किया हो। फिर कहा जाता है, खैर मेरा ताल्लुक़ तो शहर कराची से है स्पीकर साहब, वहाँ पे हमने बड़े मामलात देखे, हड़तालें देखी, जलाओ घेराव की सियासत देखी, लेकिन फिर आखिर आवाम की आवाज़ जो है वही ताकत रखती है। और ताल्लुक़ उस पॉलिटिकल पार्टी से है, शहीद भुट्टो की पॉलिटिकल पार्टी से है, जिसने हमेशा आवाम के वोट की ताकत से हुक्मरानी की, न कि जलाओ और घेराव की सियासत से। फिर एक नई टर्मिनोलॉजी हमने सुनी स्पीकर साहब 9 तारीख को कि जनाब रेड लाइन, इमरान खान रेड लाइन है। नो, इमरान खान इज नॉट द रेड लाइन। रेड लाइन पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान है हमारी। इमरान खान रेड लाइन ना है ना हो सकता है। हमारी रेड लाइन रियासत पाकिस्तान है, सब हिलाली परचम है, हमारी अफवाज पाकिस्तान है जिनके जवानों की शहादतों से आज हम एक आजाद फिजा में सांस लेते हैं। हमारी रेड लाइन है और हमारी रेड लाइन कैप्टन शेर खान शहीद जैसे हमारे शोदा हैं, जिन्होंने 4 दिन कारगिल में भूखे प्यासे रहकर भी अपने परचम को हाथ में थामे रखा और अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी, जिसकी तारीफ और ताईद दुश्मन के सिपाहियों ने भी की, जिस दुश्मन के कमांडरों ने भी की, और फिर जिनको निशाने हैदर से नवाजा गया। स्पीकर साहब, 9 मई को जो हमने देखा, एक तमाशा सा बरपा हुआ, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये दहशत, फैशिज्म, हेट, इनटॉलरेंस को एक फैशन बना के पेश किया जा रहा है, और ये फैशन वो फैशिस्ट जमात पेश कर रही है जिसने यहीं पर ही पार्लियामेंट में। जनाब स्पीकर, तो जनाब स्पीकर, ये जो फैशिज्म को फैशन बना के पेश करने की एक घिनौनी सियासी एक हरबा जिसको बना के इन्होंने पेश किया, इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करती हूँ। सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह खौफनाक अंदाज से ट्रेंड चलाए जाते हैं मुल्की इदारों के ख़िलाफ़, रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़, और 9 मई को जो हमने चीज़ें देखी, ये तमाम चीज़ें जो है ये सख्त काबिल मजम्मत हैं। हुआ कुछ यूँ कि यहाँ पे जब फौजी तनसीबात के ऊपर हमले किए गए, पीटीआई के परचम सरों पे लगा के और झंडे पीटीआई के लहरा के, जब जीएचक्यू के ऊपर हमलावर हुए झत्ते, और जब लाहौर में कोर कमांडर हाउस में, जिना हाउस में जब हमला किया गया, और वो तबाही के मनाजिर, दिलखराश मनाजिर जो है वो मैं समझती हूँ कि इतने अफसोसनाक हैं कि जितनी भी उनकी मजम्मत की जाए कम है। हमने देखा कि स्पीकर साहब, इसी पार्लियामेंट में कुछ अरसा, कुछ माह पहले, जो पीटीआई के एमएनएज इस पार्लियामेंट में जिनकी आवाज़ें गूंजती थीं, उन्होंने बाकायदा तौर पे तकारीर करके जीएचक्यू के बाहर और जिना हाउस के बाहर आवाम को इकट्ठा किया, और जब गिरफ्तारियां अमल में आईं तो कहा ताल्लुक ही नहीं है। तो महसूस तो ऐसा होता है कि कुछ अरसे बाद जो है, जो इमरान खान अपने वर्करों के साथ रवैया रख रहे हैं, तो अब कुछ अरसे बाद जब इमरान खान गिरफ्तार होंगे तो ना उनके लिए अदालतों के दरवाजे तोड़े जाएंगे, ना उनके लिए आवाम निकलेगी, ना उनके लिए कोई उनका वर्कर निकलेगा, बल्कि वो भी इसी तरह लातालुकी का इजहार इमरान खान से करें जिस तरह आज वो अपने उन वर्करों के साथ इजहार लातालुकी कर रहे हैं जिन्होंने इमरान खान के प्रोवोकिंग स्टेटमेंट के बाद बाहर निकल के जलाओ घेराव की सियासत की।
स्पीकर साहब, एम्बुलेंसेस को आग लगाया गया, मरीजों को एम्बुलेंस से बाहर निकाल के एम्बुलेंसेस को आग लगाया गया, कराची में पीपल्स बस को आग लगाया गया, बच्चों के स्कूलों को आग लगाया गया, मेट्रो स्टेशन जलाए गए, स्वात मोटरवे में आग लगाई गई, लोगों को हरासा किया गया, लोगों को तकलीफ पहुंचाई गई। फौजी तनसीबात में वो जहाज जिसे दुश्मन न गिरा सका उस जहाज को आग लगाया गया, फौजी वर्दी की तौहीन करने की कोशिश की गई, इंसल्ट करने की कोशिश की गई, रिडिक्यूल करने की नाकाम कोशिश की गई। लेकिन आज इस सहवान के फ्लोर से खड़े होकर हम कहते हैं कि आज हर पार्लियामेंट में बैठा हुआ पार्लियामेंटेरियन मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से ये कहता है कि हमें फ़ख्र है अपनी पाकिस्तान फ़ौज के ऊपर, हमें फ़ख्र है अपने उन जवानों के ऊपर जो अपने जानों की कुर्बानियाँ देकर बॉर्डर्स पर जो है अपने जानों की कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क के परचम को बुलंद करके रखे हुए हैं। स्पीकर साहब, इसी पार्लियामेंट में इमरान खान साहब ने कुछ अरसा कबल अदम एतमाद में फरार अख्तियार करने से पहले और उसी वक्त जब इस पार्लियामेंट के अंदर कानून की धज्जियां बिखेरी जा रही थी, कासिम सूरी और आपसे पहले बैठे हुए यहाँ पे जो स्पीकर थे असद कैसर साहब, जो अपनी लॉयल्टीज पीटीआई के साथ तो दिखा रहे थे लेकिन आईन पाकिस्तान के साथ कोई वफादारी नहीं दिखा रहे थे, आपने भी सुना और हम सब ने सुना कि एक कागज़ लहराया गया और साइफर का रोना रोया गया और कहा गया जनाब एक अमरीकी साजिश हो रही है जिसके तहत उनको अदम एतमाद में शिकस्त दिलाई जा रही है, हकीकत से मुंह फेरने के लिए झूठ बोला गया, प्रोपेगेंडा किया गया। और प्रोपेगेंडिस्ट तो पीटीआई है ही, लेकिन प्रोपेगेंडा कुछ इस तरह किया गया कि पहले साइफर का रोना, फिर अमरीकी साजिश, फिर इम्पोर्टेड हुकूमत का नारा देकर अपने वर्कर्स को ट्रक की बत्ती के पीछे जिस अंदाज से पीटीआई ने लगाया, लेकिन इंसाफ तो हो के रहता है और वक्त कभी एक सा नहीं रहता। और जिस बहादुरी से, जिस शुजात से इस हुकूमत ने, जिस टॉलरेंस का मुजाहिरा करके, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का मुजाहिरा करके पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकालने के लिए यकजहती का मुजाहिरा किया, ऐसे में आपने देखा कि कांग्रेस वुमन से रोते धोते सर पीटते मदद की अपील करते दो रोज़ कबल हमने इमरान खान को सुना, हमने उस इमरान खान को अमरीका से मदद तलब करते सुना जो इम्पोर्टेड हुकूमत का रोना रो के पार्लियामेंट छोड़ के गया था, हमने उस इमरान खान को कांग्रेस वुमेन की मदद मांगते सुना, उनकी हेल्प मांगते सुना जिन्होंने यहाँ पे अमरीकी साजिश और साइफर का झूठा बयानिया दिया था। तो स्पीकर साहब, हमने ये तो नहीं सुना उन्हें कहते हुए कांग्रेस वुमेन से कि ये कोई साजिश के तहत उनकी हुकूमत उठाई गई थी या कोई साइफर आया था जिसके अंदर मीटिंग्स के अंदर जो बातें की गई थी वो हुकूमत गिराने के खिलाफ उनके जो है तमाम एक प्लानिंग की गई थी, ना किसी साजिश का जिक्र हुआ, ना कोई ऐसी बात हुई, बहुत ही रस्मी, बहुत ही मौदबाना गुजारिशात जो है वो हमने सुनी और पूरी कौम ने सुनी। स्पीकर साहब, ये तो अहवाल है एक ऐसी जमात का जिसका अगला इंतखाबी निशान ही यू टर्न होना चाहिए, क्योंकि जिस बल्ले से इन्होंने फेंटियाँ लगानी थी वो बल्ला भी टूट गया और फेंटियाँ लगी भी इनकी अपनी हरकतों की वजह से। तो स्पीकर साहब, मैं समझती हूँ कि जो पीटीआई की सियासी एक ज़िंदगी थी उसका इख्तिताम खुद अपने हाथों से कुल्हाड़ी अपने पैरों पे मार के पीटीआई ने कर लिया, लेकिन एक खौफनाक सिलसिला अब भी जारी है जिसको रोकना होगा और उसके लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। स्पीकर साहब, सोशल मीडिया के ऊपर जिस खौफनाक अंदाज से अब भी मुल्क से बाहर बैठे हुए चंद लोग अमन नहीं चाहते और कुछ ऐसे शरारती लोग जिनकी शायद नेटवर्किंग बाहर से चलती है, वो पाकिस्तान में बैठे हुए सोशल मीडिया के थ्रू हमारी रियासत के ख़िलाफ़ और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फौजी इदारों के ख़िलाफ़ अवाम को उकसाने में एक बहुत ही खौफनाक अंदाज से किरदार अदा कर रहे हैं जिसकी रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है और इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वक्त आ गया है नफ़रत की सियासत का खात्मा करने का।
नफरत की जो सियासत है, जो हेट पॉलिटिक्स ऑफ हेट और पॉलिटिक्स ऑफ इनटॉलरेंस को ख़त्म करना होगा। और जो लोग इस साजिश में मुलव्वस हैं, पाकिस्तान में नफरत के बीज बो रहे हैं, उन तमाम लोगों को इंसाफ के कटहरे में लाना होगा। तो स्पीकर साहब, इस हवाले से मैं गुजारिश यही करूंगी कि जो अनासिर इस वक्त भी सरगर्म हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़, और अवाम को जो इदारों के सामने टकराने के लिए और खुदा न खास्ता खाना जंगी की सूरत हाल पैदा करने के लिए अपने अफवाज पाकिस्तान के सामने ला के खड़ा करने के लिए खौफनाक साजिशें कर रहे हैं, उनको अभी इसी वक्त फिलफौर उनके ऊपर कानून जो है वो हरकत में आनी चाहिए और इस पे ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। थैंक यू।